पाकिस्तान वाले कहते हैं भले जला देंगे, अरे जलते हुए दिए को परवाने क्या बुझाएंगे, जो मुर्दों को नहीं जला पाते हो जिंदों को क्या जलाएंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद और रहेगा। आज 15 अगस्त है और हमारा पूरा देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। कहते हैं कि ये जिला गाजीपुर है, शहीदी धरती है और शहीदी धरती के जितने भी नौजवान हैं हर बार अपने बारे में सोचते हैं, कहते हैं कि कभी मौका मिलेगा तो हम देश की सेवा करने जरूर जाएंगे। अब जिस तरह मौजूद हम मौजूद है, ये वीर अब्दुल हमीद का पार्क है, वही वीर अब्दुल हमीद जो 1965 में 7 टैंकों को पाकिस्तान के ध्वस्त कर दिया था और अपने देश का नाम इस तरह से रोशन कर दिया किया था कि आज भी हर पूरे देशों में नहीं बल्कि विदेशों में वीर अब्दुल हमीद की चर्चा होती है। आज 15 अगस्त के समय पर हमारे साथ मौजूद है पवन चौहान जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आइए इनसे बात करते हैं सीधे। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपके और आपके जो जितने भी श्रोता है सत्या न्यूज के सभी दर्शकों का। आज 77वें स्वतंत्रता दिवस की पूरे देशवासियों को अपने संगठन सम्राट पृथ्वीराज चौहान शब्द वेदी सेना के तरफ से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और देश के जो मां ने जन्म दिया, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी और शहीद वीर अब्दुल हमीद, वीरों की धरती, शहीदों का देश गाजीपुर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की गाजीपुर और गाजीपुर में और स्वतंत्रता दिवस के दिन आज पूरे हजारों की संख्या में उन माँ के वीर सपूतों को आज याद किया जा रहा है। और यह प्रतिवर्ष जब तक हम लोग जीवित रहेंगे, हमारे बाद जो आने वाली पीढ़ी है वो भी आएगी तो उन शहीदों को याद करेंगे जो देश के लिए अपने बलि को दे दिया, अपने माँ को त्याग कर कर 25 साल की उम्र में वीर भगत सिंह जैसे जवान जो देश को आजाद कराने के लिए जो शहीद हो गए हैं उनको नमन कर रहा हूं कि ऐसे देश में। और चाह रहा हूं कि यहां पर भी जितने नौजवान आए हैं उनसे सीखने की जरूरत है। आज हम लोग शहीद वीर अब्दुल हमीद के इस पार्क में आए हैं तो जो जैसे पाकिस्तान का 7 टैंक तोड़ने का काम किया तो मैं जानता हूं, मैं महसूस कर सकता हूं कि इस गाजीपुर नहीं पूरे प्रदेश के हिंदुस्तान के अगर सीमा पाकिस्तान से कभी लड़ाई हो जाएगी तो इन लोगों के अंदर जो खून है वो क्रांतिकारी खून है। हिंदुस्तान इसी तरह नहीं आजाद हुआ है, आजाद हुआ तो अपने माँ को, अपने पिता को देखते हुए, अपने बलि को देकर पाकिस्तान की धजिया और अंग्रेजों को खेदने का काम किए, भारत को आजाद दिलाया। अभी हम आने अब्दुल हमीद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, 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 सबके चेहरे पर हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे हैं, सबके जुबान पे सब एक ही सिक्के, हिंदुस्तान जिंदाबाद है तो जिंदाबाद इसीलिए मनाया जा रहा है, स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। ये रैली कहाँ से कहाँ तक लेके जा रही है? ये रैली आज वीर अब्दुल हमीद जी के पार्क से निकलकर धर्मागतपुर, दुल्लपुर से होते हुए धर्मागतपुर जाकर हम नौजवान अपने वीर शहीद सपूतों को याद कर उन्हें भव्य श्रद्धांजलि देंगे, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। आपसे आखिरी सवाल है कि जिस तरह से आज युवाओं का मनोबल टूट रहा है, कहीं न कहीं जब भी देश की बात आती है तो कहते हैं कि भाई हमें तैयारी करने का जरूरत नहीं है, कहीं अब कहाँ हमें नौकरियाँ मिल रही है, तो इसके लिए क्या कहना आपका? मैं चाहूंगा केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार हम युवाओं के बारे में, जो युवा है वो उनके बारे में सोचने का काम करें, उन्हें आगे बढ़ाने का काम करेंगे तभी जाकर हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। और हिंदुस्तान जब आगे बढ़ेगा, जब युवा जोश और खरोश रहेगा तब जाकर युवा आगे बढ़ेंगे और हमारा देश आगे बढ़ेगा। हमारे साथ मौजूद थे पवन चौहान जी जो लगातार युवाओं की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं, आजकल गरीबों के हक अधिकार की बात करते हैं। पाकिस्तान वाले कहते हैं भले जला देंगे, अरे जलते हुए दिए को परवाने क्या बुझाएंगे, जो मुर्दों को नहीं जला पाते हो जिंदों को क्या जलाएंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद और रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। वीडियो कैसी लगी है कमेंट कर जरूर बताइएगा और आपसे कहेंगे।